हाँ तो क्यों ना बांटे भाई, मुफ्त की कमाई जो है। और वैसे भी खालाजान, जब तक आप मौजूद है ना, ये हक मुझे कभी मिल नहीं सकता। अम्मी जी आप यहाँ बैठी, अम्मी जी आप रो रही हैं? नहीं कुछ नहीं, ऐसे बस। उस औरत के होते हुए इस घर में खुश भी कौन रह सकता है? अम्मी जी आप तो हमें हिम्मत देती हैं, खुद हिम्मत कैसे हार गई? मैं तो कभी भी तकलीफों से नहीं घबराई थी, मगर इस लड़की की मक्कारियों और चालों से हारने लगी हूं मैं। सही कह रही हैं आप, सामने से वार करने वालों को तो हाथ पकड़ा जा सकता है, लेकिन ये पीठ पीछे वार करने वालों को कैसे पकड़े? मम्मी जी बहुत अपसेट हो गया हूं मैं, वीरानी जाने लगी है इस घर में। कभी कभी सोचती हूँ कि एक इंसान पूरे खानदान को कैसे मुंतशिर कर सकता है। शमीला भाभी की मिसाल है ना आपके सामने। अम्मी जी कुछ दिन के लिए इस्लामाबाद जाना चाहता हूँ। अम्मी जी मेरा दम घुट रहा है इस घर में, अजीब हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, बहुत अजीब माहौल हो गया है घर का। अम्मी जी कुछ दिन के लिए जाने दें प्लीज, कुछ अरसा घर से दूर रहूंगा तो बेहतर फील करूंगा। बेटा फार्म और आतिफ को तो पहले ही उसने अपने कब्जे में कर लिया है, मेरे बच्चे तुम ही हो जो मेरा दुख समझते। अगर अगर तुम भी चले गए तो तुम्हारी माँ क्या करेगी बेटा? अम्मी जी मुझे खुद से डर लगने लगा है, मैं कुछ गलत ना कर दूं उससे मैं। अम्मी जी आपने भी कसम दे रखी है कि फाहम भाई को कुछ नहीं बताना, अम्मी जी प्लीज मुझे जाने दें। ठीक है बेटा जाओ जाओ, सुकून से रहो, मेरी फिक्र मत करना, मैं इधर सब संभाल, मैं ठीक रहूं तो जाओ। मुझे आपने हिम्मत नहीं हारनी, बस मैं जल्द आ जाऊंगा वापस। ठीक है बेटा जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, साथ खैरियत के वापस आओ तुम। आप मुझे इसी तरह टीज करेंगे तो मैं वाकई चली जाऊंगी। ज़ायदा अम्मी जी को बुला लो, अब तक आई नहीं खाने के लिए। वो आराम कर रही हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने कहा है आप लोग खाना खा लीजिए। क्या हुआ उनकी तबीयत को? फहम, खाला जान के सर में दर्द हो रहा था बीपीआई की वजह से, लेकिन मैंने उन्हें खाना खिला दिए, मेडिसिन भी दे दिए, वो सो रही हैं। आप जाएं, फहम के लिए गरम रोटी लेकर आएं। हैरत की बात है कि कभी ऐसा हुआ नहीं कि अम्मी ने अकेले खाना खाया। हातिम, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वक्त पर खाना खाना ज़रूरी था और आराम करना भी। हाँ ठीक कह रही है, उन्हें आराम की ज़रूरत है। सिफ़ाहम, आसिम ने आपको जाने से पहले बताया था कि वो इस्लामाबाद जा रहा है।
हाँ, उसकी कॉल आई थी, वो एयरपोर्ट पे था तब कॉल की थी उसने, बात हो गई थी। अच्छा, जाते हुए बताया, हालांकि उसको जाने से पहले आपसे पूछना चाहिए था ना, बड़े भाई हैं आप उसके। उसने अम्मी जी से पूछ लिया होगा, एक ही बात। आंटी